समाजसेवी अन्ना हजारे से लेकर बाबा रामदेव और बीजेपी तक भले ही संसद के इसी सत्र में मजबूत लोकपाल बिल को पारित करने की मांग कर रहे हों, लेकिन ऐसा हो पाएगा ऐसा लगता नहीं। लोकपाल बिल का मसौदा राज्यसभा की जिस सिलेक्ट कमेटी के पास है उसके अध्यक्ष सत्यव्रत चतुर्वेदी तो फिलहाल ये भी बताने की हालत में नहीं है कि उनकी कमेटी लोकपाल बिल पर अपना काम कब तक पूरा कर लेगी। हमारे सामने जो विभिन्न संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञ हैं उनसे हम बात करेंगे, उनका पक्ष सुनेंगे। सार्वजनिक सूचना के माध्यम से हमने देश के सभी नागरिकों को अपना पक्ष रखने के लिए सूचना की है। बहुत से लोगों के हमारे पास जवाब आए हैं और आते जा रहे हैं, तो कितने लोग आएंगे समिति के सामने अपने विचार रखने के लिए ये मैं निर्धारित नहीं कर सकता, न नियंत्रित कर सकता। इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग इस समिति के समक्ष उपस्थित होना चाहेंगे, उसके अनुसार समय निर्धारित होगा। इतना ही नहीं, सत्यव्रत चतुर्वेदी से जब मजबूत लोकपाल बिल की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो रामदेव को जानते तक नहीं। रामदेव के अच्छे पर बैठे हैं और वो लोकपाल की बात कर रहे हैं, ये कौन है भैया, मैं नहीं जानता।